राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को मिली नक्सली धमकी। जी हां, आपको बता दें कि लगभग एक माह पहले नक्सलियों के द्वारा लिखे गए पत्र में संघ प्रमुख सहित संतोष पांडे का भी किया गया जिक्र। दरअसल मामला राजनांदगांव का है, जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नक्सलियों पर लगाम कसने और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके चलते जंगलों में आईटीबीपी, डीआरजी और स्थानीय पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा है, जिससे बौखलाए नक्सलियों द्वारा जवानों और जनप्रतिनिधियों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। इसी के तहत नक्सलियों ने गत दिनों कांकेर जिले के आरएसएस कार्यकर्ता दादूराम कोरेटी को उनके घर से निकालकर कुछ ही दूरी में ले जाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत एक माह पहले राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद संतोष पांडे को भी नक्सलियों द्वारा पत्र लिखकर धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि उक्त पत्र में नक्सलियों द्वारा संघ प्रचारक को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद संतोष पांडे के ऊपर विद्वेषपूर्ण असंसदीय भाषा का उपयोग भी किया गया है एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई है। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि गत दिनों कांकेर में हुए आरएसएस कार्यकर्ता दादूराम कोरेटी की हत्या के बाद जो पर्चे फेंके गए थे वे सांसद संतोष पांडे को मिले। पर्चे की लिखावट और शैली एक समान है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि नक्सलियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही नक्सल विरोधी गतिविधियों से बौखलाए हुए हैं और इस तरह के कृत्य करने को आमद हैं। पांडे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद संतोष पांडे से इस संबंध में जब चर्चा की गई तो उनका कहना था कि हाँ, मुझे लगभग एक माह पहले पत्र मिला था जिसमें संघ प्रचारक प्रमुख और मेरे नाम से विद्वेषपूर्ण असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी मैंने अपने अधिकारियों और संघ प्रचारक प्रमुख को दे दी है। नक्सलियों द्वारा जो पत्र मिला है वह संघ प्रमुख के पास दे दिया है और अब वह मेरी जानकारी में नहीं है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल सेल प्रभारी गोरखनाथ बघेल का कहना है कि नक्सलियों द्वारा सांसद संतोष पांडे को जो पत्र लिखा गया है वह मेरी जानकारी में नहीं है और ना ही सांसद संतोष पांडे द्वारा किसी भी पत्र की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। यदि जानकारी आती तो उक्त पत्र की छानबीन करवाई जाती। अभी हाल ही में कुछ शरारती तत्वों द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश किया जा चुका है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।